गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? ग्रेट। टुडे वी विल लर्न चैप्टर 4, अवर नेशनल सिंबल्स। ये वीडियो नंबर 3 है बच्चों। वीडियो नंबर 1 में हमने अवर नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा था, है ना, उसके डिटेल पढ़ा था। और उसके बाद हमने नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ा। वीडियो नंबर 2 में हमने नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ा। ये वीडियो नंबर 3 है बच्चों, इसमें हम अवर नेशनल एंथम एंड अवर नेशनल सॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव मेमोराइज्ड जन गण मन। आपको याद है ना जन गण मन, दिस इज अवर नेशनल एंथम। ये हमारा नेशनल एंथम है। इट वॉज कम्पोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे कम्पोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, है ना। किन्होंने कम्पोज किया था इसे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नाउ टेल हाउ शुड वी स्टैंड वेल सिंगिंग द नेशनल एंथम। कैसे स्टैंड होते हैं जब नेशनल एंथम गाते हैं? वी शुड स्टैंड इन अटेंशन पोजिशन, है ना, अटेंशन पोजिशन में खड़े होते हैं ना, वेल सिंगिंग द नेशनल एंथम। Fill up the table given with the states, mountain ranges and the river mentioned in the national anthem. ये table दिया गया है बच्चों, इसमें आपको state के नाम, mountain के नाम और river के नाम आपको fill करना है जो national anthem में sing करते हुए गाते हुए हैं, तो उसमें अंदर में आता है, national anthem के अंदर आता है। तो कौन कौन से river के नाम आते हैं national anthem में? सिंधु, गंगा, यमुना, और कौन से माउंटेन रेंजेस का नाम आता है? विंध्यास, है ना। और कौन कौन से स्टेट का नाम आता है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हिमाचल, द्रविड़, है ना, साउथ को बोला जाता है, साउथ इंडिया को द्रविड़ बोला जाता है, बंगाल, उत्कल, उत्कल उड़ीसा को, है ना बच्चों, ये स्टेट का नाम आता है। तो ये टेबल आप फिल करेंगे बच्चों, अपने कॉपी में भी फिल करेंगे। अवर नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम इज अवर नेशनल सॉन्ग। इट्स लाइन वेयर टेकन फ्रॉम अ बुक टिल्टेड आनंदमठ। आनंदमठ के बुक से लिया गया है, जिसको किसने लिखा? रिटन बाय बंकिम चंद चटर्जी जी ने लिखा। This song instilled the feeling of patriotism and freedom in the heart of the Indians during the Indian freedom struggle. जब इंडिया के लोग स्ट्रगल कर रहे थे आजादी के लिए, उस समय ये सॉन्ग को लिखा गया था। और इस सॉन्ग में क्या फीलिंग है? पेट्रियोटिज्म एंड फ्रीडम की, मतलब देश प्रेम की, देशभक्ति की और आजादी की भावना को इंडिया के हार्ट में उत्पन्न किया गया, मतलब उनको प्रेरित किया गया, है ना। When do you sing the national song in school? कब ये नेशनल सॉन्ग को गाया जाता है स्कूल में? We sing the national song before PT, PT के बाद, and during morning prayer, जब हम जनगण नेशनल एंथम गाते हैं उसके बाद फिर हम ये वाला सॉन्ग भी गाते हैं, और इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में भी ये सॉन्ग गाया जाता है। बच्चों इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने नेशनल एंथम के बारे में पढ़ा और नेशनल सॉन्ग के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम अवर नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।